बक्सर में एक बाप अपनी दो नाबालिग बेटियों का पिछले 11 साल से रेप कर रहा था और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक तांत्रिक ने बता दिया था कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको बेटा हो जाएगा बक्सर के रहने वाले विनोद कुमार सिंह जिनको किसी तांत्रिक ने बताया था उनको उनको बेटा नहीं हो रहा था उनको पुत्र की रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी और इसके लिए वो तरह तरह का इलाज करवा रहे थे डॉक्टर के पास जा रहे थे तांत्रिक के पास जा रहे थे और उसी में बक्सर का ही उधर इस उसी इलाके का एक स्थानीय तांत्रिक है जिसका नाम बताया जा रहा है अजय कुमार वो बता देता है कि उसकी जो दो बड़ी बेटियाँ हैं जिनका जन्म हुआ है और उसके बाद कोई बेटा इसलिए नहीं आ पा रहा है और इससे निपटने के लिए इसका काट ढूंढने के लिए वो बताता है कि अगर दोनों बेटियों के साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तब जाकर तुमको बेटा होगा अब ये पिछले 10-11 साल से लगातार वो दोनों नाबालिग बेटियां इस चीज से अब समझिए अभी उनकी उम्र 14 साल और 16 साल है तो पहले वो किस उम्र की होंगी 10-11 साल पहले से और वो तंग आकर कोर्ट में पहुंचती है मामला कोर्ट पहुंचता है और अब कोर्ट ने इस मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है और इस पर फैसला सुनाया जाना है अब ये पूरी कहानी क्या है इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे पर उससे पहले नमस्कार जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ संय मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ विशाल खड़े हैं बक्सर जिले में एक थाना है नाम है राजपुर और इसी राजपुर थाना के अंतर्गत के किसी गांव का ये मामला है अब हो कह रहा था कि इसमें विनोद कुमार सिंह नाम जिनका परिवार है पूरा परिवार ही इस मामले में दोषी पाया गया है विनोद कुमार सिंह तो खुद इस मामले में दोषी हैं ही उनकी जो पत्नी है वो भी दोषी हैं पत्नी की जो बहन है यानी उन दोनों लड़कियों की जो मौसी हैं वो भी इस मामले में दोषी हैं और इसके अलावा दो और लोगों को इस मामले में दोषी पाया गया है उनकी सजा होगी कोर्ट ने जो बक्सर का एक विशेष पॉक्सो कोर्ट है जो बच्चों के लिए खासतौर पर जो उन पर कुछ भी मामला होता है कुछ भी क्राइम होता है तो उनको देखता है और वहीं विशेष स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है मंगलवार को ये सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद से 12 सितंबर को ये सजा सुनाया जाएगा कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा है कि बारह तारीख को इस पर सजा सुनाया जाएगा अब यह पूरा मामला क्या था तो दरअसल जो विनोद कुमार सिंह है उनको बेटा नहीं हो रहा था अब उसके पहले उनकी दो बेटियाँ थीं अभी वर्तमान में एक बेटी की उम्र चौदह साल है और एक बेटी की उम्र सोलह साल है मतलब कि दोनों बेटियाँ नाबालिग हैं और इन दोनों नाबालिग बेटियों का पिछले दस ग्यारह साल से लगातार रेप हो रहा था उनका यौन शोषण हो रहा था और ये कर कौन रहा था तो खुद उनका पिता क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम ऐसा करोगे तब जाकर तुमको आगे बेटा होगा यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अब दो जब वो बेटा नहीं हो रहा था तो काफी समय से वो परेशान था दो में वैसे ही डॉक्टर तो कभी किसी तांत्रिक ओझा तमाम लोगों के पास घूम रहा था और 2012 हजार बारह में वही राजपुर थाना में ही किसी स्थानीय तांत्रिक जिसका नाम अजय कुमार है उसके चक्कर में वो फंस जाता है अब वहां पर वो जाता है तो बोलता है अनुष्ठान करना पड़ेगा अनुष्ठान होगा तब जाकर जो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है जो भी क्लेश लगा हुआ ये सारा कटेगा और इस अनुष्ठान के लिए वो बताता है कि जो दो बड़ी बेटियां हैं जिनका जन्म हुआ है इन दोनों बेटियों को लेकर आओ क्योंकि इन्हीं के चलते जो आगे बेटा आने वाला है उसको बाधा पहुंच रही है कोई दिक्कत आ रहा है अब वो अनुष्ठान में इन दोनों लड़कियों को बुलाता है और इसके बाद तीन लोग पुस्तांतरिक के अलावा तीन लोग पूरी रात उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ गंदा काम करते हैं अब उस दिन तो ये सारा चीज़ होता ही है इसके बाद जो इन दोनों बेटियों के पिता थे जिनको बेटा चाहिए था उनको वो तांत्रिक समझा देता है कि इनके साथ ये रेगुलर करना होगा ये शारीरिक संबंध हमेशा अगर बनाएगा अगर बाप तब जाकर उसको बेटा होगा और इसके चलते 2012 से लेकर 2023 तक ये लगातार हो रहा था पिछले 10-11 साल से रोज वो बाप अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था उनके साथ जबरदस्ती करता था ताकि उसको बेटा हो अब इस चीज में वो शिकायत करती थी अपनी माँ से तो माँ भी इसमें मिली हुई थी वो भी इसमें सपोर्ट करती थी कि ऐसा होगा इसके अलावा जो उसकी मौसी थी वो भी इस मामले में जुड़ी हुई थी उनका भी समर्थन था कि ऐसा करेंगे तभी जाकर बेटा होगा और हर तरफ से थक हार कर वो पिछले दस ग्यारह साल से लगातार ये सह रही थी अब जब थक हार कर ये चीज एकदम पानी सर के ऊपर जाने लगा उन लोगों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसी अप्रैल में घर से भाग कर, किसी तरह से बचते बचाते वो दोनों लड़कियां बक्सर ज़िला में जाती हैं अब जब जिला मुख्यालय ये लोग पहुंचती हैं तब जाकर किसी आदमी के सहयोग से ये अपना सारा दुख दर्द वो बताती है सारा बात बताती है और वो आदमी इनको ले जाकर कैसे भी महिला थाना पहुंचाता है और जब दोनों लड़कियां महिला थाना जाती हैं तब वहाँ पर महिला पुलिस ने ये सारा शिकायत दर्ज किया मामला कोर्ट पहुँचा और अप्रैल से लेकर और अभी तक काफ़ी इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई त्वरित सुनवाई हुई है प्राइवेट कोर्ट में एक्शन हुआ और एक तरह से जो विशेष पॉक्सो कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया है और अब इन पांचों लोगों को दोषी पाया गया है तमाम लोग और भी जो लोग थे इसमें गवाही भी हुई सभी लोगों से जो भी बयान दर्ज हुआ और उसके बाद जज ने फैसला सुनाया है कि ये पांचों लोग दोषी है और 12 तारीख को इस मामले में सजा होने वाला है कोर्ट ने इस फैसले को अभी सुरक्षित रखा है कि अगले बारह तारीख को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा बाकी ये कहानी किस ऐसी है कि अंदर से झंझोड़ कर रख देने वाली है आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा चिंता जंक्शन देख रहे थे आप बहुत बहुत धन्यवाद